भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हिकारो नाकामुरा के खिलाफ महत्वपूर्ण ड्रॉ खेलकर 14 में से 900 अंक हासिल कर वर्ल्ड चेस का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही गुकेश 40 साल पहले महान गैरी कास्पारोव के रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए विश्व खिताब के लिए सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए। वह कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने। डी गुकेश ने इतिहास रचकर 17 वर्षीय गुकेश ने 14वें और अंतिम राउंड में अमेरिकी हिकारो नाकामुरा के साथ आसान ड्रॉ खेला और टूर्नामेंट को 14 में से 9 अंकों के साथ समाप्त किया। निर्णायक अंतिम दौर में गुकेश ने काले मोहरों से नाकामुरा को बराबरी पर रोककर भव्य मंच के लिए अपनी तैयारी दिखाई। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में नाकामुरा के प्रयासों के बावजूद गुकेश ने नियंत्रण बनाए रखा, अंततः जीत हासिल हुई। खिताब जीतने के बाद गुकेश ने कहा, बहुत राहत महसूस कर रहा हूं और बहुत खुश हूं। मैं मजेदार खेल को फॉलो कर रहा था और फिर मैं अपने दूसरे के साथ टहलने गया। मेरे ख्याल से इससे मदद मिली। इस खिताब के साथ गुकेश को 88,500 यूरो लगभग 78,05,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 5,00,000 यूरो है। गुकेश इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले वर्ष 2014 में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद यह खिताब जीता था। आनंद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पोस्ट में गुकेश को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने लिखा, सबसे कम उम्र के चैलेंजर बनने के लिए गुकेश को बधाई। आपने जो किया है उस पर वाका चेस परिवार को बहुत गर्व है। आपने जिस तरह से खेला और कठिन तरीके से संभाला, मुझे निजी तौर पर बहुत गर्व है कि आपने किस तरह खेला और मुश्किल स्थिति को भी संभाला। इस पल का आनंद उठाए। आज का दिन वाकई में हर भारतीय के लिए खुशी का दिन है। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप Facebook पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें।